आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। शराब की अवैध बिक्री को लेकर शराब ठेकेदारों द्वारा एक युवक को बंधक बनाकर जमकर मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। वहीं पीड़ित युवक का उपचार कराया गया है। घटना के संबंध में सुहागी थाना प्रभारी ओपी त्रिपाठी ने बताया कि सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गंगतीरा निवासी समयलाल सोनकर घर पर ही देशी शराब बनाकर बिक्री करता है, जिसके खिलाफ पूर्व में कार्यवाही भी की गई है। इसकी जानकारी जब क्षेत्र के शराब ठेकेदार फूलचंद जायसवाल, अंकित जायसवाल, पप्पू जायसवाल को हुई तो उन्होंने पहले तो समयलाल को शराब की अवैध बिक्री किए जाने से मना किया। जब वह नहीं माना तो आरोपियों ने समयलाल को उठा ले गए और जंगल में ले जाकर उसके साथ मारपीट की। किसी प्रकार से अपने आप को बचाकर भागे युवक ने परिजनों को घटना की सूचना दी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। पीड़ित युवक की शिकायत पर नामजद आरोपियों के खिलाफ एसटीएससी एक्ट सहित मारपीट का मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।